For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys and welcome to Movies Adda. Delhi di kudi aur Ludhiane da jatt dono hi aa chuke hain. Kiski baat kar rahi hu main? Are gaana nahi suna abhi tak? Well, Tiger Shroff aur saath hi saath Tara Sutaria aur Ananya Pandey ka new song yani ki Student of the Year 2 se finally naya song bahar aa chuka hai. Well, film bahut jald release hone wali hai. Film mein teen सुपर डुपर टैलेंटेड एक्टर्स हैं. वो भी इसलिए मैं कह रही हूँ सुपर डुपर टैलेंटेड क्यों, क्योंकि ये सभी एक्टर्स एक साथ स्क्रीन पर फर्स्ट टाइम नज़र आने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनकी कामराडरी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हिट हो चुकी है. अगर मैं बात करूँ तारा सुतारिया और अनन्या पांडे की, दोनों ही डेब्यूटांस हैं. अब बात करती हूँ गाने की, क्योंकि गाने के बारे में ही बात करने हम यहाँ आए हैं. वेल, इससे पहले के जो तीन सॉन्ग्स आउट हुए थे, अगर सबसे पहले बात करी जाए ये जवानी, हाँ जी हाँ, यानी कि ये जो गाना था ये ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि नॉस्टैल्जिया फील दिया था इस सॉन्ग में. उसके बाद गाना आया कौन सा, दिल्ली मुंबई दिया कुड़ियाँ रात भर नहीं सोरियाँ. जी हाँ, वो गाना आया जो कि इतना ज़्यादा हिट नहीं हो पाया. उसके बाद आया थर्ड सॉन्ग यानी कि द हुकअप सॉन्ग. हुकअप सॉन्ग ने सबको ऑलरेडी अभी तक हुक्ड करके रखा है. वेल, मैं तो डेफिनेटली हुक्ड हूँ उस सॉन्ग से. अब आया है ये गाना जहाँ पर फिर से दिल्ली की बात की जा रही है. जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म में दिल्ली और मुंबई का कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि हर गाने में यही नज़र आ रहा है. वेल, अगर गाने की लुक की बात करूँ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लुक है इस गाने का. जिस तरीके से सुपर तरीके से लुक आ रहा है सॉन्ग में, अनन्या इतनी रिफ्रेशिंग लग रही है. डांस की अगर मैं बात करूँ इस गाने में, डेफिनेटली आपको तारा और अनन्या की परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू टाइगर. जी हाँ, बाकी के जितने सॉन्ग्स थे वहाँ पर हमें टाइगर श्रॉफ ज़्यादा नज़र आ रहे थे, उनकी डांसिंग ज़्यादा नज़र आ रही थी, लेकिन इस गाने में हमें अनन्या और तारा सुतारिया दोनों ही भरपूर देखने को मिलेंगी. वेल, गाने के लिरिक्स जो हैं वो डेफिनेटली थोड़े से फंकी लिरिक्स हैं. दिल्ली स्लैंग लैंग्वेज में लिरिक्स लिखे गए हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से गाने में ये डेफिनेटली समझ में आ गया कि तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ ये दोनों एज अ पेयर नज़र आ रहे हैं, और अनन्या पांडे एक थर्ड एंट्री है इनके बीच में, और काफ़ी सारे हैशटैग्स का यूज़ हुआ है. वेल, हैशटैग ये गाना कितना यूज़ होने वाला है, हैशटैग ये गाना कितना चलने वाला है, हैशटैग आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, हैशटैग आपको सॉन्ग कितना पसंद आया, हैशटैग इस गाने के पीछे आवाज़ है, ऑफकोर्स म्यूज़िक कंपोजर्स सुपर म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, विशाल शेखर का डुओ है, तो गाना तो सुपर डुपर हिट होना ही होना है. लेकिन फिल्म के लिए, गानों की वजह से फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज जिस फंकी लेवल के सॉन्ग्स हैं डेफिनेटली गाने भी उतने अच्छे होने वाले हैं, और ऑलरेडी हैं गाने उतने अच्छे. सो टाइगर के बारे में, तारा के बारे में और अनन्या के बारे में और क्या क्या जानना चाहते हो, और कैसा लगा ये सॉन्ग, जाओ देखो और फिर आके मुझे बताओ कि आपको गाना कैसा लगा. मैं अपनी तरफ से इस गाने को 3 स्टार्स देना चाहूँगी, क्योंकि इससे भी बहुत 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 बेटर सॉन्ग मुझे लगता है द हुकअप सॉन्ग. एंड जो सबसे पहले आया था ये जवानी है दीवानी हाँ मेरी रानी. वेल, मुझे ये गाना पर्सनली बहुत पसंद है, मैं दिन भर ये गाना सुनती हूँ. लेकिन अब जो गाना आया है यानी कि लुधियाने द जट, जी हाँ, यानी कि टाइगर श्रॉफ का ये गाना और अनन्या तारा, कैसे लग रहा है इस गाने में वीडियो के नीचे आके कमेंट्स करके बताओ. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब भी करो, कमेंट भी करो, और साथ ही साथ में इतनी बुरी तो हूँ नहीं, बुरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो वीडियो के नीचे जाओ, सब्सक्राइब कमेंट एंड लाइक, लाइक का बटन यहाँ पे है, सब्सक्राइब यहाँ पे. दिस इज ज्योति राहंग साइनिंग ऑफ.